हेलो दोस्तों, मल्टी एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों तो आज हम अपने गेहूं के खेत में आए हैं। दोस्तों बहुत ही मेहनत करके इस गेहूं को बोया गया था। दोस्तों बहुत ही अच्छा बीज था, PVW 343 था। दोस्तों इतना अच्छा फल लगा था मैं क्या बताऊं आपको, मगर परिस्थिति की वजह से इतनी पूरी तरह से, आप देख रहे हैं गेहूँ है मेरा, गेहूँ का खेत है, एक बीघा का खेत है, ये पूरी तरह से दोस्तों नष्ट हो चुका है, पूरी तरह से गिर चुका है। दोस्तों मात्र ये आप देख रहे होंगे इतना अच्छा फल लगा हुआ मैं क्या बताऊँ आपको। आप जैसे कि देख रहे हैं ये फल, आप देख रहे होंगे कि ये दो पानी का फल है। दोस्तों बहुत ही आप बारीकी से आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से लगा हुआ फल है। तो दोस्तों एकदम पूरी तरह से ये गिर चुका है, नष्ट हो चुका है दोस्तों, और बहुत ही चिंतित है हमारे घर वाले और हम लोग भी बहुत चिंतित है दोस्तों कि इस बार पैदावार किस तरह से होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों पशुओं के लिए मुझे लगता है कि भूसा भी नहीं मिल पाएगा, इंसान के लिए खाने की बात ही छोड़ दीजिए दोस्तों। और ना केंद्र सरकार से कुछ अलाउ हुआ है, ना राज्य सरकार से कुछ उम्मीदें हैं दोस्तों, और किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं दोस्तों। इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, ओले पड़े हैं कि एकदम फसल बर्बाद हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये PVW 343 गेहूँ हमने बोया था, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितने भारी इसके जो हैं लगे हैं फल, जो दाने लगे हैं बहुत ही मोटे हैं बिल्कुल, मगर प्रकृति का जो प्रकोप रहा दोस्तों वो बहुत ही बुरा रहा। और मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि दोस्तों इस वीडियो में आप ये देख रहे हैं कि ये जो बाल देखिए दाती दाती जो खड़ा है, जो बारीक में है, जो खड़े हैं, जो गिरे नहीं है, तो कितने स्वस्थ हैं आप ये देख रहे होंगे, कितने स्वस्थ हैं। और मैं आगे आपको ये बताने वाला हूँ कि जो ये जो पौधा है गेहूँ का, ये मात्र दो पानी का पौधा है दोस्तों। इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको बीज करने में, बीज को तैयार करने के लिए उपयोग करते हैं दोस्तों। आप जैसा कि पौधा देख रहे हैं कि कितना संतुष्ट पौधा है, कितना हायर पौधा है, और इस पौधे का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं हम लोग बीज को तैयार करने में, एक रिसर्चेज बीज तैयार करते हैं दोस्तों। आप इस पौधे का आप देख रहे होंगे कि क्या साइज़ है, कितना अच्छा फल लगा हुआ है, और बाल इतना खूबसूरत है इसका आप देख रहे हैं। तो मैं ये कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये प्रकृति का जो ओला पड़ा है, बर्फ पड़ा है, वो पूरी तरह से इसको बर्बाद कर दिया है फसलों को। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।